जय हिंद, राम राम भाइयों। यार स्वागत है आपका प्रत्येक बस डिफेंस अकेडमी। तो भाइयों, आज हो गया भर्ती का तीसरा दिन। आज अच्छा था माहौल, अच्छा रनिंग थी लड़कों की आज। और जो पहले दिन की तुलना में अगर देखा जाए तो आज तीसरे दिन काफ़ी मतलब जो चेंजेस देखने को मिला था, इसमें सबसे बड़ा चेंजेस जो था वो था एक तो टाइमिंग का, और एक जो लड़कों की क्वांटिटी थी लेने की कि कितने लड़के लिए जा रहे, उसमें थोड़ा सा चेंजेस था। जो सेकेंड डे वाली बात करूँगा, दूसरे दिन में जो हुआ था भीलवाड़ा आसिंद तहसील से लड़के दौड़े थे, तो उसमें लगभग 3,000 लड़के थे, 3,000 से कुछ। तो उसमें लगभग 385 या 300 के आसपास, 350 के आसपास लड़के रनिंग निकाली थी उसमें, ठीक है। तो जो आज दूसरे दिन में जो लगभग 300 लड़कों ने रनिंग क्लियर की थी, और तीसरे दिन आज जो झालावाड़ का था शायद, तो उसमें काफ़ी बंदों को टाइम दिया था, 5:35 तक टाइम दिया था, 2:01 या 2:05 को 5:35 तक पूरा टाइम दिया गया था। तो ये अच्छी चीज़ है। ये मैंने पहले वाली वीडियो में बोला था आपको पहले से ही कि बोले ये जो टाइमिंग का जो होता है सिस्टम, ये बैच पे डिपेंड करता है भाई, ठीक है। कि बैच किस हिसाब से रनिंग कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि बैच का क्या सिस्टम रहेगा। और जब आज का जो सीन रहेगा वो भी मैं आपको कल अपडेट दे दूंगा, और होती कोशिश रहेगी जितना, तो आपको कोशिश करूंगा कुछ बेटर टिप्स दे सकूँ उस ग्राउंड को लेकर। और जो बंदे की अभी रनिंग बाकी है, जो बंदे अब मतलब टाइम है उनको दौड़ को, तो उनको यार एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हो तो भर्ती पास आने के चक्कर में जोश जोश के अंदर प्रैक्टिस टाइम में अपनी कुछ ऐसी मतलब वो मत कर लेना कि प्रैक्टिस में वर्कआउट मत मार लेना जिससे मसल्स डैमेज हो जाए, पर मसल्स में स्ट्रेस आ जाए या पर बॉडी कड़क होना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि इस ग्राउंड की जो मिट्टी है भाई, वो लाल जो होती है, लाल मिट्टी होती है वो है, ठीक है। तो बॉडी को कड़क मत होने देना, बिल्कुल इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना आप, क्योंकि एक बार बॉडी के कड़क होने स्टार्ट हो गई या मसल्स में डैमेज आ गया, मसल्स स्ट्रेच हो गया, और अगर कहीं पेन खड़ा हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप तो जोश में आके ये मत कर लेना, जो नेचुरल रनिंग चल रही है उसको चलने दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेचुरल रखो अपनी रनिंग को। जिन बंदों का टाइम ऑलरेडी 5:55, 4:50, 5 का है, वो भी ज़्यादा एफर्ट मारने की कोशिश ना करें, जितना है उतने में ही वो संतुष्टि रखें, ठीक है। अगला हल्का वर्कआउट रखें, और बाकी जो तैयारी कर रहे हैं जिनका टाइमिंग 5:30 के आसपास है, वो टाइम कम करना चाहते हैं, उनकी भर्ती लगभग लेट है, अभी तक है 10-12 दिन है, तो उनके लिए मैं एक वीडियो कल या फिर नाइट में, आज आज शाम को या फिर कल भी उनको एक वीडियो दूंगा, तो उसका आप यूज़ करना। उस वीडियो में जो बताई गई टिप्स है उसका यूज़ करना, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। आपके टाइम लगभग 5 से 10 सेकेंड, 5 सेकेंड तक रिकवर होगा आपका टाइमिंग, ठीक है। तो अभी इंजर्ड मत कर लेना मसल्स, मेन तो मसल्स का स्ट्रेस मत मार लेना, और पानी जितना हो सकता है उतना दबा के पियो, और जितना आप जितनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो उस डाइट बाई डाइट आप उतनी एनर्जी वापस लेने की कोशिश करो। और आज भर्ती का तीसरा दिन था, कल देखते हैं क्या सीन रहता है भर्ती का। बाकी आपको जो भी अपडेट रहेगा नया वो देता रहूँगा। और वो वैक्सीनेशन को लेकर बहुत क्वेश्चन हो रहे हैं भाई, RT-PCR करवा के आओ यार, अगर 48 घंटे पहले लेके RT-PCR है तो करवा के लाओ। और वैक्सीनेशन का ये सीन है कि वैक्सीन सिर्फ उन्हीं लड़कों को लगे हैं, उन्हीं जनों को दी जाती है वैक्सीन जिनको कोरोना नहीं हुआ हुआ है, ठीक है। जिनको कोरोना पॉजिटिव नहीं थे उनको ही केवल वैक्सीन लगती है, क्योंकि अगर कोई अगर कोरोना पॉजिटिव हो भी जाता है तो उसके 3 महीने तक वो वैक्सीन लगाया नहीं जाती है, ठीक है। इसलिए वैक्सीन का ई सर्टिफिकेट साथ में लाया ताकि आपको अंदर एंट्रेंस मिल सकते, क्योंकि अगर अगर नेगेटिव नहीं है आपकी रिपोर्ट, अगर आपके पास RT-PCR नहीं है नेगेटिव की, तो आप वो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जरूर साथ में लाए, क्योंकि वैक्सीन सिर्फ 90 दिन बाद उसी को लगती है जिनको मतलब जो पॉजिटिव नहीं हुआ, जो केस पॉजिटिव नहीं था उसी को वैक्सीन लगती है, तो वो आपको वैलिड मानी जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें कंफ्यूज मत हो, सबसे बड़ी चीज़ यही है, कंफ्यूज मत हो, बिंदास हो क्या हो, और तैयारी रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।